आंदोलन विद्यार्थी बाकी ये सभी संगठनों की तरफ से आज जो धरना रखा गया है उसके पीछे हमारे तीन अहम मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है कि हम तो पहले काकीनाका में उसमें जो गेट बांध रहे इसमें हमारा मकसद ये है कि जो राजस्थान की सरकार ने जो कम उम्र की शादी को रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा है तो हम अपने महाराष्ट्र में ये करना चाह रहे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि लड़कियों की कम उम्र में शादी होने के बाद उनको इतनी चीज़ें मालूम नहीं होती है जो वो समझदार हो। जो हम चाहते हैं कि 21 साल की उम्र में लड़कियों की शादी होना चाहिए। पहले तो बताइए कौन से संगठन जुड़े थे और क्या क्या मुद्दों पर आंदोलन हुआ है? थोड़े बहुत संगठन ही काफ़ी, मैं मानता हूँ कि जो सड़क पे आता है वो एक चिंगारी लेकर आता है और पूरे देश में फिर वो बात फैलती है। तीन घटनाओं को लेकर हम लोगों ने आज ये धरना किया है। मुंबई में जो साकेनाका और डोंबिवली के जो बलात्कार की घटनाएं हुई है ये बहुत ही चिंताजनक बात है, क्योंकि जो उत्तर भारत और दिल्ली में जो घटनाएँ हो रही थी अभी वो बम्बई में आ रही है। तो हम लोग मानते हैं कि यहाँ की पुलिस व्यवस्था, यहाँ की सरकार और यहाँ का समाज, ये सबको लेकर हम लोग को बहुत मेहनत करनी होगी। मगर पुलिस और सरकार की एक जिम्मेदारी बनती है स्त्रियों की सुरक्षा को लेकर, उनकी जिम्मेदारी को याद दिलाने के लिए आज हम लोग सड़क पर आए। देखिए क्या अलग अलग तरीके की मांगे थी इसमें? मांगे देखिए, बात ऐसी है कि निर्भया के बाद कानून को और सख्त बनाना तो मुश्किल, मगर फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से तो ये ज़रूर हो, ये वाली बात। दूसरी जो दो मुद्दे को लेकर हम लोग बैठ ने आज जो धरना किया है, एक है राजस्थान में जो बाल विवाह का जो रजिस्ट्रेशन की जो बात हुई है, जो उसका एक लगभग एक कानूनी बन चुका है कि अभी बाल विवाह रजिस्ट्रेशन होगा, जिसका मतलब है कि बाल विवाह को आपने छूट दे दी है और ये खास करके गर्ल चाइल्ड जो बच्ची आए उनके लिए तो बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि उनकी शिक्षा, उनका पूरा भविष्य बर्बादी की तरफ जाएगी। और तीसरा मुद्दा है कि हमारे पड़ोस में जो अभी तालिबान की सरकार आई है वहाँ बच्चियों को पढ़ने से वो मना कर रहे हैं, औरतों को काम पे जाने से वो लोग रोक कर रहे हैं, जबरदस्ती क्या बुरखा पहनो, ये पहनो, मत करो, कहाँ जाना है, क्या पहनना है, उस पर पाबंदी आ रही है। उसको लेकर भी हमारा भारत से आवाज़ उठना बहुत ज़रूरी है। और आप देखेंगे कि यहाँ काफ़ी बच्चों ने, लड़कियों ने, लड़कों ने, उनका यहाँ प्लैकार्ड है कि तालिबान हमारी बहनों को पढ़ने दो, तालिबान हमारी भाइयों को पढ़ने दो, ये मैसेज मुंबई के सड़कों पे से जा रहा है। सर, इस मसले में अपने राज्य सरकार या केंद्र सरकार से पत्र व्यवहार? नहीं, अभी हम लोग करेंगे, अभी करेंगे, हम लोग उसको एक पॉलिसी के माध्यम से सरकार के साथ बैठेंगे। सिर्फ यहाँ नहीं, भारत के मुस्लिम आंदोलन की तरफ से तो राजस्थान में भी ये संघर्ष अभी जारी हो रहा, तो ये सब अलग अलग फ्रंट पे हम लोग करें।
सुनवाई तो होनी चाहिए, ये सरकार का काम है और हम लोग इग्नोर करते हैं, क्या बताना चाहिए इस बारे में?